तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। जो पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। गूगल प्ले स्टोर ने ऐसा क्यों किया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं टेक्निकल जिंदगी। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना ताकि आप सबको पता चल सके पेटीएम रिमूव के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप प्ले स्टोर में पेटीएम सर्च करोगे तो वहां पे आपको पेटीएम ऐप देखने को नहीं मिलेगा। ऑल्दो आपको वहां पे पेटीएम बिजनेस और पेटीएम मॉल, ये दोनों ही ऐप वहां पे आपको मिल जाएंगे। ऑफिशियल पेटीएम ऐप वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर ने पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया है। ऐसा नहीं है कि वो चाइनीज ऐप था इस वजह से उसको रिमूव किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको ना ही बैन किया गया, बैन भी नहीं किया गया, बस उसको रिमूव किया गया। ऐसा अभी गूगल ने ऐसा कुछ ऑफिशियली बताया नहीं कि किस वजह से उसने पेटीएम को रिमूव किया है। लेकिन अभी उन्होंने, गूगल इंडिया ने अभी ऑफिशियली एक पोस्ट किया, पोस्ट के अंदर उन्होंने बताया है कि गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऐसी पॉलिसीज है, गैम्बलिंग पॉलिसीज के बारे में उन्होंने बताया। गैम्बलिंग पॉलिसीज के अंदर ऐसा है कि अगर कोई भी ऐप गैम्बलिंग पॉलिसीज को फॉलो नहीं करता, मतलब पैसा कमाओ या फिर ऐसा कुछ भी करता है, आप किसी ऐप पे 10-20 रुपए लगाओ या फिर ऐसा कुछ भी करो तो उस ऐप उस पॉलिसी को फॉलो नहीं करता, इस वजह से उन धीरे धीरे करके ऐप्स को रिमूव किया गया। तो गूगल प्ले स्टोर का पेटीएम की तरफ भी ध्यान चला गया। पेटीएम भी शायद ऐसा ही कुछ कर रहा होगा, गैम्बलिंग पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहा होगा, इस वजह से उसको हटा दिया। गैम्बलिंग करना बहुत अलग अलग तरीके हैं गैम्बलिंग करने का। गैम्बलिंग जैसे किसी भी तरीके से की जा सकती है, जैसे कोई भी ऐप आपको किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे ले जाके वहां पे आपको कुछ 10-20-50 रुपए लगाओ ऐसा कुछ करके दिखा रहे हैं, वो भी गैम्बलिंग पॉलिसीज के अंतर्गत ही आता है। तो पेटीएम भी कुछ ऐसा ही कर रहा था, इस वजह से पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। तो मेरा मानना यही है कि आप अभी ऐसी कुछ भी गैम्बलिंग पॉलिसीज के बारे में मैंने आपको बताया तो अभी आप गैम्बलिंग करने वाले किसी भी ऐप के ऊपर भरोसा ना करें। वो आपको कुछ किसी भी तरह का फ्रॉड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गैम्बलिंग पॉलिसी काफ़ी सारे ऐप्स के अंदर चल रही है, अभी तक गूगल प्ले स्टोर को उन्होंने ध्यान नहीं किया, लेकिन जब ध्यान चला जाएगा तो धीरे धीरे करके सभी ऐप्स को हटा रहे हैं। अभी थोड़े टाइम बाद देखते हैं कब तक पेटीएम जो है वो गूगल प्ले स्टोर के अंदर वापस आ जाता है। लेकिन एप्पल स्टोर के अंदर पेटीएम अभी तक है, तो आई होप एप्पल स्टोर का जब ध्यान जाएगा तो वो भी इस पॉलिसी को, अगर उनके ऐप में होगा तो वो भी इसको हटा देगा, ऐसा कुछ करके होगा। तो मैंने आपको बताया कि पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से क्यों हटाया गया। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलना, उनको भी पता चले कि पेटीएम को हटा दिया गया गूगल प्ले स्टोर से। आप चिंता ना कीजिए, पेटीएम ने ऑफिशियली एक ट्वीट करके बता दिया कि आपके सारे पैसे सेफ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप इतना इतना परेशान ना होइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय।